प्रेमी साथियों, जब वो तारा अपने पुत्र रोहतास की लाश को लेकर के शमशान भूमि में पहुंच जाती है, जिस शमशान में हरिश्चंद की ड्यूटी लगी हुई थी और हरिश्चंद का काम था मरघट की रखवाली करना, और जो भी मुर्दा वहां आए और जो भी मुर्दा फूंका जाए उससे पहले मुर्दा फूंकने का टैक्स 125 रुपए कफन लेना। वह दुखियारी तारा रोहतास को लेकर के मुर्द घाट को पहुंच जाती है। दुखियारी को देख करके हरिश्चंद्र किस तरह से कहते हैं, ए दुखियारी, ये लाश तू किसे पूछ करके यहां जला रही है? पियाजी, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तारा, तू मेरी तारा रानी नहीं, मैं तेरा पति हरिचंद नहीं। तुझे काशी नगरी के कानून और रूलों के बारे में पता नहीं कि यहाँ मुर्दा फूकने से पहले 125 रुपया कफन दिया जाता है जब मुर्दा फूका जाता है। पियाजी, हाँ। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो मेरे पास शेष बचा था वो भी आज भगवान ने मुझसे लूट लिया है, और मेरी बात सुन लीजिए पियाजी, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं, अभी इसी वक्त यहाँ से उस लाश को उठा ले, नहीं तो वरना लात मार करके तेरी चिता को खिला दूंगा, तेरी चिता को बखेर दूंगा और तुझे दे देकर धक्के शमशान घाट से बाहर निकाल दूंगा। सुन लीजिए पियाजी मेरी बात। अपनी सुना दे और मेरी भी सुन ली। तुझे अपने कर की पड़ी हुई तुझे अपने कर की पड़ी हुई मैं बेटे खानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिसरानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिसरानी बन बैठी। अपने कर की पड़ी हुई मैं तो बेटे खानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिसरानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिसरानी बन बैठी। तारा, तुझे ये देखना चाहिए था कि उस दिन तेरी बारी थी तो किसी दिन और की भी बारी आएगी। लेकिन पियाजी, मैंने तो सदा आपके वचनों का ही पालन किया है। वचनों का पालन नहीं। पड़िया जरा सा काम तुरत मुँह नाक चढ़ानी बन बैठी। मेरा पड़िया जरा सा काम तुरत मुँह नाक चढ़ानी बन बैठी। मेरे याने स्याने रोहित सुखी, याने स्याने रोहित सुखी मौत निशानी बन बैठी। तन बेटे पे तन बेटे पे दिया छुरा फेर तू आप कस्यानी बन बैठी। तन बेटे पे दिया छुरा फेर तू आप कस्यानी बन बैठी। मारे कुल का मटिया मेट किया मारी पैर निशानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन में
जिस रानी बने बैठी तारा मैं जानता हूँ बन्ना नदी पर मुझे तेरे से थोड़ा सा काम पड़ा था उस दिन तूने यह करके टाल दिया आगे अपनी बात याद दिलावे नार नहीं तो पिछले किसे छेड़े जांगे मत याद दिलावे नार नहीं तो पिछले किसे छेड़े जांगे जो कर दोगे महसूल माफ क्या धारे धर्म बिगड़ जांगे जरा रहिए दूर जरा रहिए दूर तुम इस रानी तेरे कपड़े मेरे ते भिड़े जाएंगे जरा रहिए दूर मेरे ते मिसरानी तेरे कपड़े मेरे ते भिड़े जाएंगे जिस दौलत पर नाज तुझे वो जिस दौलत पर नाज तुझे वो आज पिरानी बन बैठी मेरे दिल में तन्ने इतने दिल में पर नेकी कमानी बन बैठी मेरे दिल में गहरे छेद किए पर नेकी कमानी बन बैठी तारा तेरी भलाई इसमें है कि 1,000 रुपया कफन दे दे और अपने मुर्दे को बखूबी से यहाँ रखना दे तारा ड्यूटी ड्यूटी होती है और मुझे अपने मालिक की ड्यूटी निभानी है मैं अपने सब से अपने धर्म से नहीं हिल सकता अगर तू बरना नदी पर मेरा छोटा सा काम कर देती तो आज शायद तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता तो पिया जी आप उस बात का बदला ले रहे हैं एक माँ से और मेरी बात सुन लीजिए सुना दे विपता में न साथ दिया हक दूर परे हर जाई तने मेरी विपता में न साथ दिया हक दूर परे हर जाई तने घड़ा नीच मेरी झारी विप की घड़ा नीच मेरी झारी विप की क्यों ना करी समाई तने कल तेरा दाव कल तेरा दाव आज मेरा दाव ये समझा नहीं लुगाई तने कल तेरा दाव आज मेरा दाव ये समझा नहीं लुगाई तने छोड़ो पिछली बातों को मैं हो अच्छा आज पिछली बातों में छोड़ो छोड़ो पिछली बातों को मैं खुद किसी आनी बन बैठी तने मुझको मुझको पागल समझ लिया खुद आप दीवानी बने बैठी तन मुझको पागल समझ लिया खुद आप दीवानी बने बैठी आज तूने इस हरिशंकर को पागल समझ लिया इस जगह पर आकर के कोई किसी का नहीं होता यहाँ सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं ना तो इसकी माँ है ना ही तेरा बेटा है ना मैं तेरा पति हूँ और ना तुम्हें जानिए कह दे अपनी बात पिया करके रहम दिल अपने में
खुद जिके मैं तो खुद नौकर काले का यहाँ मिलती जगह किराए की जिके मैं तो खुद नौकर काले का यहाँ मिलती जगह किराए की मुझ दुखिया से उनसे काड़ रे नदी पे घड़ा उठाए की सवा रुपया और कफन जल्दी बात तेरे समझ आए की दे सवा रुपया और कफन जल्दी कहूँ बात तेरे समझ आए की बन है।